हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल जीके बाई ज्योतिका। मैंने आपके रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो डालने स्टार्ट की है और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। और एक बात फ्रेंड्स, आज जैसे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे देश में जनता कर्फ्यू की अपील की गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट कीजिए और अपने घरों में स्टे रहिए ताकि इस बीमारी की चैन को हम तोड़ सकें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया आपके 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया। और इस अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है हैप्पी विद ईच टुगेदर, हैप्पी विद ईच टुगेदर। इस अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ हैप्पीनेस डे की थीम। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घाटे का बजट पेश किया? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घाटे का बजट पेश किया? तो ये किया आपके मेघालय के मुख्यमंत्री। और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं आपके कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर आपके आर एन रवि। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने घाटे का बजट पेश किया है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये दिया आपके मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की कैपिटल आपके भोपाल, और मध्य प्रदेश के सीएम पहले सीएम थे आपके दोस्तों कमलनाथ, जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके गवर्नर आपके लालजी टंडन, मध्य प्रदेश सरकार ज्योतिराज सिंधिया और उसके साथ ही 22 विधायकों ने सरकार के खिलाफ बगावत की, और सरकार के खिलाफ बगावत की जिसके कारण कमलनाथ की सरकार संकट में आ गई और कमलनाथ ने अब इस्तीफा दे दिया है। आगे देखिए, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन ऐप लॉन्च किया है? तो ये कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन ऐप लॉन्च किया दोस्तों आपके व्हाट्सएप ने। और व्हाट्सएप पे आपको कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी, और कोरोना वायरस के बारे में फैलाई जाने वाली अफवाह के बारे में बचा जा सकेगा। इसलिए कोरोना वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन ऐप लॉन्च किया है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एलएमजी गन खरीदने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? तो हमारे रक्षा मंत्री, हमारे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं आप, हमारे राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। एलएमजी लाइट मशीन गन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये क्या है, इजराइल देश की कंपनी के साथ समझौता किया। और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, येरूसलम। इजराइल की कैपिटल को जेरूसलम, येरूसलम भी कहा जाता है। और इजराइल से हमारे रक्षा मंत्रालय ने एलएमजी मशीन खरीदने के लिए समझौता किया। आगे देखिए सिक्स क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने सभी ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है 2023 तक। ब्रॉड गेज यानी 1 मीटर से ज्यादा रेल मार्गों की चौड़ाई, और मीटर गेज 1 मीटर रेल मार्गों की चौड़ाई। तो इस प्रकार ब्रॉड गेजों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने 2023 तक। और भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं आज के आपके पीयूष गोयल, भारत के रेलवे मंत्री हैं। आगे देखिए आपका सेवंथ क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने कितने भारतीय अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया? तो ये किया है 2, और इनमें से एक आपकी वृंदा राठी। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1909, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर आपका दुबई, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ आपके मनोज सहानी, और अध्यक्ष आपके शशांक मनोहर। आपका एट्थ क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने 2020
टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो आइजको को ओलंपिक मशाल सौंपी है, तो ये सौंपी है आपके ग्रीस ने, और ग्रीस की कैपिटल है आपकी एथेंस। ठीक है फ्रेंड्स, और 2020 में होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक, इसलिए टोक्यो आयोजकों ने ओलंपिक मशाल ग्रीस को सौंपी है, और ग्रीस की करेंसी है यूरो। आगे देखिए आपका 9th क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने COVID-19 को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, तो ये किया आपकी भारतीय एक्सा। भारतीय एक्सा एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने COVID-19 को कवर करने के लिए एक बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, और ये भारतीय एक्सा ने की है। तो भारतीय एक्सा के बारे में जानिए आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारतीय एक्सा की स्थापना हुई थी 2008, और भारतीय एक्सा का हेडक्वार्टर आपका मुंबई, और भारतीय एक्सा के CEO हैं आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजीव श्रीवास्तव। संजीव श्रीवास्तव भारतीय एक्सा के चीफ CEO। आगे देखिए 10th क्वेश्चन आज का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का, हाल ही में फिंच रेटिंग ने 2021 में भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। तो फिंच रेटिंग जो एक रेटिंग एजेंसी है, इसने भारत की GDP वृद्धि दर 2021 में 5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपील की गई जनता कर्फ्यू के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और घर पर ही रहकर अपने काम कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड्स।